Hello students, my name is Vijay Bhardwaj and today we will discuss your next chapter, A Landscape of Soul, which is taken from your Hornbill book. In this lesson, we will discuss what is the difference between Asian artist and what is the difference between Chinese artist. We start our today's topic. I would like to discuss with its introduction first. This chapter is basically written by Nathalie Troversy. Nathalie Troversy, who is art historian, and she always analyze difference between the Indian artist and between the European artist. And Nathalie Troversy also wanted to know the psychology of different painters, the psychology of different artists. And you can also see in this chapter that how creativity, that how techniques reaches a human mind from earth to heaven. It has also short stories, it has also different many short stories that tells us about the supernatural power of human being, that tells us the supernatural imagination of an artist. So let's begin what the artist talks about and what he does with his artistic skill. So without wasting any time, let's get started with your chapter Landscape of Soul. First, as you already know, first we will learn its explanation, and after that we will learn its important question answer and further exercise. So let's get started. A Landscape of Soul. Landscape of the Soul, Nathalie Troversy, written by Nathalie Troversy. We will begin from the first line, first paragraph. A wonderful old tale is told about the painter Wu Dozi. यहाँ पर क्या है, एक कहानी बताई जा रही है, बहुत पुरानी कहानी बताई जा रही है एक पेंटर के बारे में जिसका नाम है Wu Dozi, who lived in the 18th century, जो 18वीं सदी में रहता था. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhongzong. यहाँ पर देखिए, ये जो एम्पायर है Yongzong, इसका राज्य था, वहाँ पर वो रहता था. हिज लास्ट पेंटिंग वाज लैंडस्केप, एक लास्ट पेंटिंग थी जो उसने किसके लिए बनाई थी, वो वहाँ का जो राजा था जिसका नाम है Yongzong, उसके लिए उसने ये पेंटिंग बनाई थी. टू डेकोरेट अ प्लेस वॉल, वो जो पेंटिंग थी, वो जो राजा था अपनी दीवार के ऊपर वो लगवाना चाहता था, इसलिए उसने उस पेंटर से ये एक पेंटिंग बनवाई थी. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, तो जो पेंटर था उसने क्या किया था, अपना जितना भी काम उसने किया था पेंटिंग, वो उसको छुपा कर रखता था. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, क्यों, क्योंकि केवल राजा ही उसको देख सकता था और कोई भी उसको नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसको छुपा कर रखता था. फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई. यहाँ पर जो इमेंस है, इमेंस का मीनिंग क्या होता है, इमेंस होता है जैसे ह्यूज या बहुत बड़ा, ऐसे चीज़ें उनको हम इमेंस बोल देते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर, जो राजा था जब उसको पेंटिंग बना के मिलती है तो राजा उसकी जो है बहुत प्रेज़ करता है, जैसे कि उसने उसके ऊपर पेंटिंग के ऊपर बहुत सारे जंगल बना दिए, पहाड़ी बना दी और वाटरफॉल बना दिए, है ना, इस तरह का सारा एक व्यू है वो उसने अपने इस अपनी पेंटिंग में बना दिया. तो वो एकदम से कैसा लग रहा था, जैसे रियल ही होता है उस तरह से पेंटिंग लग रही थी. मैन ऑन हिली पार्ट, बर्ड्स इन फ्लाइंग लुक्स, सेड द पेंटर. तो वहाँ पर क्या था, जैसे बर्ड उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, और वो पहाड़ों में छोटे छोटे आदमी वो चल रहे हैं, इस तरह की वो पेंटिंग वो तैयार करता है. तो वो जो पेंटर है अपने सर को बोलता है, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन dwells अ स्पिरिट. तो वो जब पेंटिंग लेके जाता है उसके पास, तो वो अपना जो एम्परर होता है उसको बोलता है कि सर देखिए, यहाँ पर जो माउंटेन बनी हुई है, माउंटेन के पीछे एक एक गुफा है, एक केव है, ठीक है, तो उस केव में क्या है, dwell अ स्पिरिट, वहाँ पर एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है. तो वो पेंटिंग दिखा रहा है अपने राजा को. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड. तो जो पेंटर क्या करता है, वो पेंटर जो है अपने हाथ से ताली बजाता है, तो वो तस्वीर में से जो क्या होता है, वो गुफा का दरवाज़ा जो होता है वो खुल जाता है, केव ओपन ओपन हो जाती है. देखिए कितनी इमेजिनेशन बताई हुई है कि पेंटिंग में ही वो ऐसा इतना अच्छा काम उसने किया है कि जो पेंटर है वो बाहर से ताली बजाता है और पेंटिंग के अंदर एक गुफा बनी हुई है, वो गुफा का दरवाज़ा वो खुल जाता है. प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे. तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर, जो राजा है उसको बोल रहा है कि मैं जो यहाँ का रास्ता है वो आपको दिखाना चाहता हूँ.
The painter entered the cave, beat the entrance closed behind him. तो जैसे ही पेंटर उस दीवार पेंटिंग है उसकी बनी हुई उस पेंटिंग के अंदर जाता है जो गुफा बनी हुई है तो उसका जो दरवाज़ा होता है वो क्लोज हो जाता है किसका गुफा का. एंड बिफोर द एस्टनेड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. और जैसे ही ये सब देखता है वो राजा वो एकदम से हैरान हो जाता है और कुछ वर्ड बोलना चाहता है बट उसके बोलने से पहले पहले ही वो पेंटिंग जो है वो वैनिश हो जाती है जैसे कि गायब हो जाती है. नो ट्रेस ऑफ वुडोजी ब्रश वॉज लेफ्ट. और वू डोजी जो पेंटर था उसके जो ब्रश हैं वही केवल वहाँ पर रह जाते हैं बाकी सब कुछ वो पेंटिंग के साथ ही जैसे वो पेंटिंग के अंदर घुस गया तो पेंटिंग के साथ ही वो सारे के सारे अंदर ही गायब हो गए. एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और उसके बाद जो वो जो पेंटर था वो कभी भी दिखाई नहीं दिया. सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन. जो इस तरह की कहानियाँ हैं इस तरह की कहानियाँ चाइना में चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों को सुनाई जाती है. क्यों? क्योंकि उनको आर्ट के साथ एक रिलेशनशिप बनाना होता है आर्ट को प्यार करना होता है इसलिए ये सब कहानियाँ उनकी नज़र में आर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूसियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम. ये जो किताबों के नाम हैं कन्फ्यूसियस एंड ज़ुआंगज़ी ये जो दो किताबें हैं इन किताबों में इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ चाइना में लिखी जाती हैं बच्चों के लिए. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन. ये जो इस तरह की कहानियाँ हैं मोटिवेटेड कहानियाँ हैं अपने आर्ट को प्यार करने वाली ये जो कहानियाँ हैं ये क्या करती हैं डिसिपल. डिसिपल क्या होता है स्टूडेंट. जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में क्या है एक राइट डायरेक्शन पैदा कर देती हैं कि बच्चे जो है वो मोटिवेट होते हैं कि हमें इस लाइन में जाना है और इस लाइन में जाने के लिए वो पूरी फिर मेहनत करते हैं. बियॉन्ड द एनेक्डोट. एनेक्डोट क्या होता है. एनेक्डोट के बारे में आपको बताता हूँ. जैसे रियल इंसिडेंट से लेकर कोई भी किसी को सिम्बलाइज करना तो उसको हम एनेक्डोट बोल देते हैं. दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर. तो एनेक्डोट क्या होता है कि कोई भी किसी तरह का ऐसा एलिमेंट उसमें डाला जाता है जिससे वो आपकी स्टोरी जो पूरी रियल लगती है तो ये जो एलिमेंट डालते हैं उसको हम एनेक्डोट बोलते हैं. कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अदर फेमस आर वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग. इसी तरह की एक और कहानी है कि एक पेंटर है वो क्या करता है वो एक ड्रैगन बनाता है अपने पेज के ऊपर और वो ड्रैगन की जो है वो आंखें नहीं बनाता. क्यों? उसका इसका मानना है कि अगर वो उसकी आंखें बना देगा तो ड्रैगन जो है वो तस्वीर से बाहर आ जाएगा और हवा में उड़ जाएगा. विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स. तो इसी तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं फ्लेंडर करते हैं. फ्लेंडर इट मीन्स कि जैसे रियलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशन हैं जो वेस्टर्न पेंटिंग में देखने को भी मिलती हैं. इन 15th century एन ट्रैप अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड कैंटन मेटसे फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर. तो एक और सेंचुरी की बात यहाँ पर कही गई है. 15वीं शताब्दी जो है वो वहाँ पर लिखा हुआ है. 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था एक और एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था क्वांटिन जो एक लोहार का काम करता था. ब्लैकस्मिथ इट मींस लोहार. वो जो लोहार का काम करता था और वो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी लड़की जो फादर होता है वो पेंटर होता है उससे उसको जो है वो प्यार हो जाता है. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन. जो लड़की का पिता होता है वो उसको अपना जो है वो दामाद अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि वो एक लोहार है. सो क्वांटिन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वाट इट अवे बिफोर ही रियलाइजेज वाट हैड हैपन्ड. तो वो क्या करता है जो जो लोहार होता है क्वांटिन वो क्या करता है वो उसके जो फादर होते हैं फादर का जो पेंटिंग रूम होता है वो वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसकी जो पेंटिंग होती है वो पेंटिंग के ऊपर एक फ्लाई एक मक्खी बना देता है और वो मक्खी इतनी रियल होती है बिल्कुल पूरी तरह से रियल दिखाई देती है. तो वो जब जो पेंटर होते हैं जो लड़की का जो बाप है जब वो देखता है कि ये वो क्या करता है वो देखता है कि पेंटिंग के ऊपर कोई मक्खी बैठी हुई है तो उसको मारने के लिए जब उसको क्रश करने के लिए वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि ये एक रियल फ्लाई नहीं है रियल मक्खी नहीं है ये पेंटिंग की गई है.
तो वो उस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रभाव होता है कि किसने ऐसी रियल पेंटिंग बनाई है। तो नेक्स्ट क्या देखिए, क्वांटन वाज इमीडिएटली एडमिट एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। तो वो जब उसको पता चलता है कि ये जो पेंटिंग है मक्खी की वो क्वांटन ने बनाई है, तो वो क्वांटन को अपने साथ ही अपने रूम में रख लेते हैं और उसको भी वो पेंटिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। अप्रेंटिस होता है कि ट्रेनी, जैसे किसी को जो सिखलाई लेने वाला होता है। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। तो उसकी शादी जो है वो उसकी जो पेंटर की बेटी होती है लोहार की, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है और वो जो है वो बहुत देर तक उनके साथ रहते हैं। द मोस्ट पेंटर ऑफ हिज एज, तो वो जो लोहार था वो उस एज का सबसे ज़्यादा फेमस पेंटर बना। देखिए इस तरह से ये जो स्टोरी है ये क्या रियलाइज़ करती है कि अगर आप सच्ची लगन से कुछ करो, पेंटिंग करो, तो उसका आपको आर्ट, आर्ट के पूरा आर्ट के साथ आप प्यार करो तो आपको नेचुरली उसका फ़ायदा मिलता है। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टन लाइकनेस इन यूरोप, द सेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो ये जो दोनों कहानियाँ हैं ये क्या बताती हैं, ये दोनों कहानियाँ बताती हैं कि कैसे जो कोई पेंटर है वो अपनी सुपर नेचुरल इमेजिनेशन से किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो है वो क्रिएट कर सकता है, उसको हासिल कर सकता है। एंड और इसी तरह की जो स्टोरी है ये यूरोप में भी, और द सेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और इसी तरह की जो कहानियाँ और स्टोरी हैं वो आपको एशिया की पेंटिंग में और यूरोप की पेंटिंग में भी देखने को मिलती हैं। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपेयरेंस। तो वो जो चाइना में क्या होता है, चाइना में इस तरह के ये जो कहानियाँ होती हैं, इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। बट जो आर्टिस्ट होते हैं वो उसका सही मीनिंग कभी कभी बताते हैं, कभी कभी नहीं बताते। ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। ये जो पेंटिंग होती है, राजा जो होता है, राजा अपनी टेरिटरी में रहता है, बट जो पेंटर होता है, पेंटर में एक आर्टिस्टिक स्किल होती है, वो उसकी पूरी की पूरी टेरिटरी में कहीं पर भी पहुंच सकता है, कंकर्ड हो सकता है अपनी इमेजिनेशन से। लेट मी शो द वे, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। द डो, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मैथड। यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है डो, डाओ। डाओ क्या होता है, चाइनीज कॉन्सेप्ट है डाओ। डाओ होता है चाइनीज कॉन्सेप्ट दैट हाउ यूनिवर्स वर्क। डाओ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है चाइना में, इसको रिलेट किया जाता है यूनिवर्स के साथ कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, उसको हम डाओ बोलते हैं। एंड द माई स्टोरीज एंड द माई स्टडीड वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या घटनाएँ होती हैं, उसको डाओ कहा जाता है। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ reaches his goal beyond any material appearances। तो पेंटिंग जो होती है वो पेंटिंग तो चली जाती है, बट पेंटिंग के पीछे क्या क्या आइडिया होते हैं, क्या क्या सोच होती है, उसको जो है वो अपीयरेंस देना, उसको सही में लोगों को समझाना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। A classical Chinese landscape is not meant to reproduct an actual view। यहाँ पर देखिए चाइनीज जो लैंडस्केप होता है उसका ये मीनिंग नहीं होता कि किसी चीज़ को दोबारा से बना देना। As world western fugitive पेंटिंग, वेर एज द यूरोपियन पेंटर्स वांट्स टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। यहाँ पर देखिए ये जो चाइनीज पेंटिंग होती है, चाइनीज पेंटिंग में कुछ भी वो पेंट कर देते हैं और वो लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो लोगों वो पेंटिंग में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। बट जो दूसरी पेंटिंग होती हैं, जैसे दूसरे देशों की जो पेंटिंग बताई जाती हैं, यहाँ पर एक चाइना का बताया हुआ है और दूसरा क्या बताया हुआ है, यूरोप के बारे में। और यूरोप की जो पेंटिंग होती हैं वो पहले से ही फुल फ्लेज स्केच होता है, उसमें प्रॉपर बना हुआ होता है, जैसे जो अगर आप देखेंगे तो वो वैसे का वैसे ही आपको दिखाई देगा। बट जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है, चाइनीज़ पेंटिंग को आप देखेंगे तो उसमें आप पेंटिंग में खुद भी कुछ ना कुछ इमेजिनेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें सिंक्रोनाइजेशन होती है चाइनीज़ पेंटिंग में। देन ट्रेवल इन इट द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ
फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। तो चाइनीज़ पेंटिंग में क्या होता है, चाइनीज़ पेंटिंग में आप खुद भी उसमें जो है जो भी चीज़ें बने हुई हैं उसमें आप खुद अपना रास्ता बना सकते हैं, खाली जगह होती है। तो चाइनीज़ पेंटिंग पूरी तरह से जो है वो डिजिटल नहीं होती। देन बैक अगेन इन ए लेजरी मोमेंट, तो फिर से जो है वो अपना जो है वो पेंटर जो होते हैं अपने उस माहौल में वो जो है आराम से दाखिल हो सकते हैं थ्रू इमेजिनेशन। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपन वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू द मूव ऑन टू द अदर एड्स डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फ्रॉम अ पेंटिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बात कही गई है कि इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपन। चाइनीज पेंटिंग के बारे में कहा गया है, चाइनीज पेंटिंग ऐसी पेंटिंग भी होती है जिनको जैसे रोल करके रखा जाता है, जब उसको खोला जाता है तो एक के बाद एक एक्शन जो है वो आपकी आंखों के सामने आता है और ऐसा लगता है कि ये जो सारे के सारे एक्शन हैं एक सीक्वेंस में चल रहे हैं और एक पूरा व्यू जो है आपकी आंखों के सामने दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये भी चाइनीज पेंटिंग के बारे में बताया गया है। इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर। तो ये जो चाइनीज पेंटिंग होती है ये एक्टिव पार्टिसिपेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जो देखने वाला होता है उसको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है पेंटिंग में। पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, वही जो पार्टिसिपेंट होता है उसको शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी उस पेंटिंग में रहना होता है उसको एनालाइज करने के लिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज। ये जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है, चाइनीज़ पेंटिंग में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको आपकी आंखें जो एक जगह टिकाकर नहीं रखनी होती। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि आप खुद भी अपनी पेंटिंग में, ये जो पेंटिंग है पेंटिंग में अपना दिमाग लगाओ और पेंटिंग को और ज़्यादा आप फ्लरिश करो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। ये जो चाइनीज़ पेंटिंग है, चाइनीज़ लैंडस्केप है, ये क्या है, स्पिरिचुअल होने चाहिए एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, थोड़ा सा स्पिरिचुअल स्पेस भी छोड़ते हैं, आप खुद उसमें कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट जो है उसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से चाइनीज पेंटिंग के बारे में बताया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपकी जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन रह चुकी है वो करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। इन दिस चैप्टर A landscape of soul. We found some word, for example, anecdote. You can see anecdote, illusionistic likeness, and one more word is delicate realism. ये जो word है इनकी हमें definition देनी है, क्या होता है anecdote, realism और likeness क्या होती है। एनेक्डोट के बारे में क्या है, फ्रॉम द टेक्स्ट द मीनिंग ऑफ एनेक्डोट कैन बी इन्फर्ड एज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट। एनेक्डोट जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हम लेते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई भी इंसिडेंट जिसको रिलेट किया जा सके किसी भी कहानी के साथ, शॉर्ट अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट स्पेशली ऑफ एन इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग नेचर। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम किसी इंसिडेंट के साथ जोड़कर देखते हैं और जोड़ने के बाद उसमें एक रियलिटी आ जाती है किसी भी वस्तु में, किसी भी स्टोरी में, तो वो जो जोड़ा गया मटेरियल होता है वो क्या होता है, एनेक्डोट होता है। नेक्स्ट देखिए, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस जो मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस क्या होती है, इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है बियॉन्ड द माइंड कुछ भी करना, जैसे सुपरनेचुरल, ठीक है, इमेजिनेशन, उसको भी हम इल्यूजनिस्टिक बोल देते हैं जिसको अच्छी तरह से हम एनालाइज नहीं कर सकते, इल्यूजन होता है वो एक तरह का। तो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एन एडजेक्टिव ऑफ द टेक्निक ऑफ यूजिंग पिक्टोरियल मैथड इन ऑर्डर टू डिसीव द आई। अपनी आँखों को क्या करना, एकदम से जैसे आँखें किसी चीज़ के ऊपर एकदम से टिका लेना। आपने देखा होगा जब आप कभी जादू का खेल देखने भी जाते हैं तो हम पूरी अपनी जो आँखें हैं वो पूरी उसके ऊपर लगा लेते हैं और छोटे छोटे जो फॉल्ट होते हैं वह हम उसको देख नहीं पाते बिकॉज ऑफ इल्यूज़न। वो जो है बातों से, अपने अपनी आर्ट से
इस तरह से ऑडियंस को बांध लेते हैं कि उसमें हम जो है वो एक इल्यूजन महसूस करते हैं, तो उसको इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का नाम दिया गया है। इट रेफर्स टू एन एडजेक्टिव ऑफ द टेक्निक ऑफ यूजिंग पिक्टोरियल मेथड इन ऑर्डर टू रिसीव द आइज। तो अपनी आंखें जो बांध लेना, किसी को कुछ अच्छा दिखाना, उसमें पूरा का पूरा अपने आर्ट में खो जाना, तो उसको हम इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस कहते हैं। द रेफरेंस इज टू एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द सिम्बैलेंस ऑफ समथिंग। और इस तरह का जो इल्यूजन होता है किसी भी आर्टिस्ट के द्वारा यूज़ किया जा सकता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वर्ड इज डेलिकेट रियलिज्म। रियलिज्म भी क्या होता है, इट रेफर्स टू द अलरिंग क्वालिटी ऑफ द आर्ट विच मेक इट सीम रियल। कोई भी पोइम, कोई भी स्टोरी, कोई भी प्रोस या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें जो है कुछ इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट इस तरह से जोड़े जाते हैं कि वो पूरे का पूरा जो नक्शा है आपकी आंखों के सामने पूरी तरह से बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेलिकेट रियलिज्म। यानी कि उसने अपनी आर्ट में पूरी क्या डेलिकेशन दी हुई है, इस तरह से डेलिकेशन दी है कि वो जो सारे का सारा इंसिडेंट है वो सारा का सारा रियल दिखाई दे रहा है, उसको हम रियलिज्म बोल देते हैं। इट इज़ एन इंटरेस्ट इन और कंसर्न फॉर द एक्चुअल और रियल एज अपोज टू एब्स्ट्रैक्ट। ये जो होता है ऑब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं उनसे, ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जैसे जिसको छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, ठीक है, महसूस किया जा सके, ठीक है, तो उस तरह का अगर कोई कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं तो उसको हम रियलिज्म बोल देते हैं, अपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट से अलग होता है वो रियल होता है, दिखाई देता है, बट एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं उसको डेलिकेट रियलिज्म कहा जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ग्रुप्स ऑफ फोर। ये जो है इसको छोड़ दो, ऊपर नीचे देखिए फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड। ये जो राजा होता है किसी भी देश का, उसके पास बहुत सारी जायदाद होती है, बहुत कुछ होता है जो उसने इकट्ठा कर रखा होता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। और इसमें जाना, इसमें घुसना कैसे है वो केवल एक आर्टिस्ट ही जानता है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है बहुत ही क्लेवर माइंडेड होता है और बहुत ही आर्टिस्टिक स्किल से वो किसी भी चीज़ में कहीं भी, कहीं पर भी अपनी इमेजिनेशन से पहुँच सकता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है क्यों दी गई है, किसने दी हुई है, दिस सेंटेंस एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट इवन थो एन एम्परर माइट रूल एन एंटायर किंगडम। इसमें लिखा हुआ है कि चाहे कोई राजा पूरे देश के ऊपर राज कर रहा है, उसके पास बहुत सारी टेरिटरी है, बहुत सारी जायदाद है, कुछ भी है, एंड हैव पावर ओवर हिज कंकर्ड टेरिटरी, चाहे उसकी सारी लैंड के ऊपर उसकी हुकूमत है, ओनली एन आर्टिस्ट वुड बी एबल टू गो बियॉन्ड एंड मटीरियल अपेयरेंस। और इसमें केवल एक आर्टिस्ट ही घुस सकता है, एक आर्टिस्ट ही उसमें जा सकता है, एक राजा की इजाज़त के बिना भी। वैसे तो राजा की इजाज़त में किसी भी टेरिटरी में घुसना वो पॉसिबल नहीं है, बट जो आर्टिस्ट है वो अपनी इमेजिनेशन से उसकी टेरिटरी में, उसके जंगलों में, उसके पहाड़ों में, कहीं पर भी वो जा सकता है थ्रू हिज इमेजिनेशन। ही नोज बोथ द पाथ एंड द मेथड ऑफ मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि वो जानता है, मिस्टीरियस वर्क जानता है, यूनिवर्स को अच्छी तरह से वो देखता है, वो अपनी इमेजिनेशन से, अपनी टेक्निक से वो रास्ता बना सकता है उसकी टेरिटरी में। ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क कैन बी सीन ओनली बाय मीन्स नोन टू हिम इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ पावरफुल एंड एम्परर इज। तो इससे ये प्रूव होता है कि एक एम्परर से भी ज़्यादा पावरफुल, एक राजा से भी ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, एक आर्टिस्ट होता है जो अपनी इमेजिनेशन से किसी को भी इल्यूजन कर सकता है, किसी को भी बांध सकता है और किसी की भी जगह में, किसी की भी टेरिटरी में अपनी इमेजिनेशन के थ्रू जा सकता है और वहाँ से आराम से वापस भी आ सकता है। तो ये सब बताया हुआ है आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में। तो आज के लिए इस पार्ट में आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे और इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। और हम करेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और जो फर्दर जो इसकी एक्सरसाइज रह गई है आपकी इस चैप्टर की, उसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर।